तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्यारा गार्डन में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बहुत दिनों के बाद आज बारिश हुई है, आज संडे का दिन है, तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ लगाया जाए। तो मैं छत में आ गई हूँ अपने टेरेस गार्डन में, और ये वाला टब खाली था, और इस टब में मैंने सोचा है कि मैं कुम्हड़ा लगाऊंगी। तो कुम्हड़ा कौन सा, जिससे हम बरी बनाते हैं, वो वाला कुम्हड़ा मुझे लगाना था, क्योंकि उसका लगाने का समय अभी बहुत अच्छा है, और अभी से हम लगाएंगे तो ठंड में जाके उसमें फल आएंगे। तो ये देखिए, इसमें मैंने नॉर्मल मिट्टी लिया था, कंपोस्ट डाला था पहले से, और कुछ गोबर की खाद रही, और इसमें मैंने नीम का पाउडर डाला है, और गुड़ाई करके इसे मिला दिया है। और इसमें हम दूर दूर बीज डाल देंगे। बढ़िया कुम्हड़ा बोलते हैं इसको, आप लोग की तरफ पता नहीं क्या कहते होंगे, भूरा कुम्हड़ा भी बोला जाता है। तो आज मैं इसे लगा रही हूँ, तो कुछ कुछ दूरी में इसे लगा दूँगी, फिर जब जैसे ही उगेगा तो मैं इसे अलग करके लगा दूँगी। और ये मैं अपने स्कूल से लेके आई थी, पीले कलर का था रेन लिली, और यहाँ पर मेरे उसमें पॉट में पिंक लगा हुआ है और वाइट लगा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ, इसके दो बल्ब थे, तो एक बल्ब में इसी में लगा दूँगी बीच में, और एक बल्ब दूसरे ग्रो बैग में लगा दूँगी। तो इस पॉट में एक ग्रोमफ्रेना का प्लांट लगा हुआ था, अपने आप उग गया था, तो उसे मैं अलग कर दी हूँ और दूसरे पॉट में इसको शिफ्ट कर दूँगी। तो ये देखिए, मैंने ऐसे ही लगा दिया है, बहुत आसानी से लग जाते हैं, कोई केयर की आवश्यकता नहीं होती है, और ये बहुत घने हो जाते हैं। एक पॉट में मेरा लगा रहा तो ये इतना सारा फैल गया था कि वो पॉट ही मेरा फूट गया था। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, एक मैंने ग्रो बैग में लगा दिया है इसमें, और कई मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर लगा हुआ है मेरा मास रोज़ का प्लांट, और इसमें कई कलर के हैं। तो जो मैं बाहर से लेके आई थी, भोपाल से लेके आई थी, कुछ तीन चार कलर, तो उसको मिक्स करके मैंने लगा दिया था ऐसे, तो अब जाके वो फूल रहे हैं। तो उनमें पता है मैंने क्या किया है, उनमें मैंने धागा बांधा है, और इसलिए कि पहचान के लिए, तो मैं उसे अलग अलग गमलों में लगाऊँगी, छोटे छोटे पार्ट में लगाना है मुझे, तो मैं उसमें धागा बांधी। और यहाँ पर लगा हुआ है मेरा मैक्सिकन पिटूनिया, ये भी दो कलर के हैं, और ये है बोगनविला, इसमें भी भर भर के फ्लावर आ रहे हैं इस समय मानसून सीजन में, और इसकी कलम लगानी है मुझे। जो पिछले साल एक कलम मैंने लगाई थी, अभी उसे रिपोर्ट नहीं किया है, और उसे दिखाती हूँ। तीन कलम मेरे तैयार हैं इसके, बोगनविला के, ये देखिए तीन कलम हैं और ये तैयार हो चुके हैं। और टूटे हुए पॉट थे, आप उन्हें फेंके नहीं, वो कलम वलम लगाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं टूटे हुए पार्ट में कलम लगा देती हूँ। और जितने भी गुलाब हैं सबको मैंने कट कर दिया है, हार्ट प्रूनिंग की है, और अब जाके उसमें नए नए शूट्स निकल रहे हैं, और सब में फ्लावर आएंगे। ये देखिए, गुलाब में नए नए शूट्स निकल रही हैं। और ये जो एक्जोरा का प्लांट है, तो ये येलो कलर का एक्जोरा है, और इसकी कलम बहुत आसानी से लग जाती है, मैंने छोटा सा कलम लगाया था, वो तैयार हो गया है मेरा। और ये देखिए, रोज़ में कितनी अच्छी शूट्स आई हैं, और सबकी हार्ट प्रूनिंग की है मैंने, गुड़हल की हार्ट प्रूनिंग की है। और ये देखिए, सेवंती है, इसकी भी कई ब्रांचेस निकल रही हैं। अब ये ठंड के लिए अलग से लगाने के लिए हो जाएगा, उसी कलम भी हम लगा सकते हैं बरसात में। कोलिया से कलम मैंने लगाई है काट के, और लालसा की भी लगाई है, और ये टिकोमा है, टिकोमा की कलम बहुत आसानी से लग जाती है, आप ऐसे ही तोड़ के लगा दीजिए, बहुत आसानी से लग जाएगा। बहुत बहुत फ्लावर आए, साल भर पूरे इसमें फ्लावर आए हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ गुलाब का प्लांट लगा, इसे मैंने ऐसे ही लगा दिया था, टूट गया था पेड़ की डंगाल, टूट गई थी, तो उसको मैंने ऐसे ही लगा दिया था, वो लग गया। और ये है काक्षोम का प्लांट है, और ये कोलिस का प्लांट है, यहाँ यूफोर्बिया है, इसकी भी कलम आप मानसून में लगाइए अभी। और ये है मेरा बुशी वाला जो है येलो कलर का ऑलमंडा है, और इसमें देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ्टिंग की है, तो इसमें इसको भी मैं देख ही नहीं हूँ, पता नहीं जड़ निकली कि नहीं निकली है, बाद में देखूँगी इसको। और ये है मेरा बेबी सन रोज़, इसकी भी कलम बहुत आसानी से आप लगाइए भी मानसून में। और ये देखिए, यहाँ पर एक मैक्सिकन पिटूनिया लगा है, इसकी मैं पत्ते नीचे से कट कर दी थी, तो बोनसाई जैसा दिख रहा है इसका। और यहाँ पर रेन लिली लगी हुई है, और ये मेरा है येलो कलर का हिबिस्कस, और इसकी मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग की थी, तो अब जाके इसमें पत्तियाँ निकली हैं। और दुरांता के प्लांट मुझे बहुत पसंद है, मैं इसी कलम बहुत लगाती हूँ, और ये कोलांचो है। और देखिए, यहाँ पर गोमफ्रेना के सीड गिरे थे, छोटे छोटे लगे हुए हैं, और यहाँ पर इतने सारे बल्ब इसके निकले हैं, तो
तो मैं इसे स्कूल ले जाऊंगी कल सोमवार को, वहां पर लगाऊंगी। और ये आगे का प्लांट इतना बड़ा, इसको भी स्कूल ले जाना है। इसके बेबी प्लांट को मैं यहीं लगा दूंगी और ये बड़ा सा प्लांट को मैं ले जाऊंगी, तो वहां लगाऊंगी। तब का मैं वीडियो शेयर करूंगी आप लोग के साथ में। और ये मेरा विन का है, इसको मैं कट कर दे रही, अभी फ्लावर इसमें नहीं आ रहे हैं। और ये यहाँ पर पानी की टंकी रखी है, और यहाँ पर लगा हुआ है मेरा तुलसी का प्लांट, और इसी में लगाया है मैंने नीम का प्लांट। और सब ये देखिए मेरा बालसम का प्लांट, इसके सीड गिरे हुए थे, अपने आप उगे हुए हैं। बहुत सारे मैं सीड ऑनलाइन मंगाई हूँ, उसे भी लगाना है। और ये सावनी के प्लांट में कलम नहीं कर पाई हूँ, और इसमें फ्लावर आने स्टार्ट हो गए हैं, अब मैं बाद में करूँगी कलम इसकी। और यहाँ पर भी कुछ मैक्सिकन पिटूनिये लगे हैं, और ये तरबूज का प्लांट है, जो हम लोग तरबूज खाए थे उसी की सीड मैंने लगा दी थी, तो उग गया है और ये फूल भी रहे हैं। और अपराजिता के प्लांट को मैंने कट किया है, और ये चांदनी के प्लांट को देखिए कई बार मैंने कट किया, इसने कई ब्रांच निकली, एक बार कट की फिर दो ब्रांच निकली, फिर दूसरा कट की फिर उससे दो ब्रांच निकली हैं। तो ये रहा आज का लुक। और बारिश हो रही है, कल बहुत बारिश हुई थी, बहुत अच्छा मौसम है अभी पेड़ लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स, एक प्लांट तो मैं बताना भूल गई, ये प्लांट जो था मेरा दुरांता का प्लांट है, ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी कलम आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं बरसात में, और एकदम छोटी से छोटी कलम लग जाएगी। और ये देखिए मैं 3-4 प्लांट मैंने लगाए हैं, और ये भूसी टाइप का हो गया है, और इसको मैं कट करते रहती हूँ, फिर नई पत्तियाँ निकलती हैं। तो ये धूप में रखा था, इसलिए इसकी गोल्डन पत्तियाँ, और एक इधर वाला जो है वो छाए में रखा था, तो उसकी पत्तियाँ जो हरी हरी हैं। तो इसे कट करने के लिए आप कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने डिस्पोजल में भी लगाया है कलम, आगे भी मैं दिखाती हूँ, एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है। और ये गर्मी के समय बहुत सुकून मिलता है इन्हें देखने पर, क्योंकि हरे भरे दिखाई देते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर लगाइए। तो आज मैंने संडे को ये काम किया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ यदि आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।